कोच और कप्तान की कुर्बानी लिखेगी टीम इंडिया की वर्ल्ड कप जीत की कहानी। ऐसी कुर्बानी आज तक किसी कोच कप्तान ने नहीं दी होगी। अब यही कुर्बानी टीम इंडिया को 15 साल बाद जिताएगी T20 विश्व कप। जी, T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में टीम इंडिया का सामना इंग्लैंड से होने जा रहा है। इंग्लैंड से इस मैच से पहले टीम इंडिया के कोच और कप्तान ने जो कुर्बानी दी है उसकी कहानी अब हर तरफ वायरल है। ये मैच एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाना है। इस नॉकआउट मैच में टीम इंडिया के गेंदबाज अपनी पूरी ताकत झोंक सकें, इसके लिए टीम इंडिया का हर सदस्य अलग अलग तरीके से उनकी मदद कर रहा है, जिससे हमारे गेंदबाज 10 नवंबर को होने वाले इस मैच में अपना बेस्ट दे सकें। इसी क्रम में टीम इंडिया के हेड कोच, कप्तान और कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद आप कह उठेंगे कि टीम हो तो ऐसी। कप्तान और कोच ने रखी मिसाल। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से कहा गया है कि कोच राहुल द्रविड़, कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपनी बिजनेस क्लास की सीट मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या को दे दी, जिससे वो बिना किसी परेशानी के आराम से यात्रा कर सके। ट्रैवल के दौरान गेंदबाजों को पीठ की अकड़न और क्रैम्प जैसी समस्या से दो चार होना पड़ता है। गेंदबाजों के सामने ऐसी समस्या ना आए और मैदान पर वो पूरी तरह से अपना 100% दे पाए, इसके लिए कोच और कप्तान ने ये कदम उठाया है। क्या है ICC के नियम? ICC के नियम के मुताबिक हर टीम को केवल 4 बिजनेस क्लास सीट दी जाती हैं। ऐसे में इन 4 सीट को साधारण तौर पर कोच, कप्तान, उप कप्तान और टीम के मैनेजर को दिया जाता है। लेकिन टीम इंडिया ने अपने गेंदबाजों के लिए एक मिसाल पेश कर दी। नॉकआउट में गेंदबाजों को करना होगा शानदार प्रदर्शन। अब तक हुए मैचों की बात करें तो टीम इंडिया के बल्लेबाज का शानदार प्रदर्शन रहा है। वहीं अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी को छोड़ दिया जाए तो हार्दिक और स्पिन गेंदबाजों ने प्रतिभा के मुताबिक गेंदबाजी नहीं की है। इंग्लैंड की बल्लेबाजी स्टाइल को देखते हुए टीम के गेंदबाजों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है और इसीलिए भी जरूरी है कि उनको प्रॉपर रेस्ट मिल पाए, और शायद इसी वजह से टीम इंडिया के कप्तान और कोच ने उनके लिए ये कुर्बानी दी है। आमतौर पर हम देखते हैं कि कप्तान और कोच को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा गेंदबाज बिजनेस क्लास में जा रहा है और कौन सा इकोनॉमी में। कप्तान और कोच को खुद से मतलब होता है, लेकिन यही टीम इंडिया है, यही हमारे संस्कार है, यही टीम इंडिया का एक दूसरे के लिए प्यार है कि कप्तान और कोच ने अपनी बिजनेस क्लास की सीट अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार को दे दी। ये सिर्फ टीम इंडिया में ही हो सकता है और इसी वजह से कुर्बानी की ये कहानी आज सोशल मीडिया पर हर तरफ वायरल है। कहते हैं हर बड़ी जीत के पीछे कोई ना कोई कुर्बानी जरूर छिपी होती है। ऐसे में उम्मीद यही है कि टीम इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप को जीते और हमारे कोच और कप्तान जो कुर्बानी दे रहे हैं वो सार्थक हो पाए। वैसे इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।